हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मशरूम फ्राइड राइस रेसिपी। तो यहाँ हम राइस बनाएंगे, वो भी मशरूम के साथ, वो भी फ्राइड बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में। तो थोड़ा सा इंडियन कुकिंग का फ्लेवर उसमें हम ऐड करेंगे, तो थोड़ा इंडियन थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल में बनाएंगे हम। तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी ले लिया था और 1 कप मैंने राइस लिए हैं। राइस मैंने यहाँ अपने जो मुझे यूज़ करता हूँ अच्छे लगते हैं टेस्ट में, मैंने हाफ राइस लिए हैं। आप फुल राइस भी ले सकते हैं जो बिरयानी में यूज़ होते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया, छोटी चम्मच से हमें नमक ऐड करना है, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है हमें। तो राइस यहाँ पे पक चुके हैं अच्छे से, तो अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे और ठंडा पानी इसके ऊपर ऐड कर देंगे जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो यहाँ हमारे राइस पक चुके थे। तो अब ये मशरूम ले लिया मैंने, ऑयस्टर। ऑयस्टर मशरूम बहुत ही यमी और टेस्टी होते हैं, पौष्टिक होते हैं। तो मैंने इसकी कटिंग लंबे पीसेस में कर ली है। जब हम फ्राइड राइस बनाएंगे या फ्राइड नूडल्स बनाएंगे तो हमें कटिंग ऐसी ही रखनी है, हमें बारीक नहीं करना है इसे। तो यहाँ ब्लांच करेंगे हम इसे, बॉईल कर लिया हमने वाटर में इसे, और 10 मिनट हमें इसे अच्छे पानी में उबालना है। उसके बाद हमें छन्नी में इसे छान लेना है। तो यहाँ हमारे मशरूम पूरे पक जाएंगे। अगर हम चाइनीज़ स्टाइल में बनाते तो हम सीधे ही फ्राइड राइस में इसे ऐड कर देते, लेकिन हमें इंडियन स्टाइल भी ऐड करना है तो हमें इसे ब्लांच कर लिया है। अब ये मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, आप चाहें तो चाइनीज़ कढ़ाई ले सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ ने बटर ऐड किया है मैंने, और उसमें मशरूम को फ्राई कर लेंगे हम। जब मशरूम बटर में फ्राई होता है और हल्की सी कसूरी मेथी जब हम इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही यूनिक फ्लेवर आता है जब कसूरी मेथी बटर में फ्राई होती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है और हाई हीट में हमें इसे फ्राई करना है जिससे मशरूम का पूरा वाटर उड़ जाए और ये ड्राई मशरूम हमारा ड्राई ड्राई बचे। तो हाई हीट में फ्राई कर लिया है, पानी इसका हमने पूरा जला दिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे अपना मशरूम फ्राइड राइस। तो ये हमारे मशरूम रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया था, ज़्यादा तेल हमें ऐड नहीं करना है, कम तेल में ही बनेगी ये। तो 1 चम्मच ऐड कर दिया है मैंने तेल। यहाँ हरी प्याज ली है, शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है, गाजर ली है, अदरक लिया है, गार्लिक लिया है। तो यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें ली हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे गार्लिक। सबसे पहले हमें गार्लिक ऐड करनी है, गार्लिक थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं आप, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सारी प्रोसेस जो है, सारी कुकिंग होगी ये हाई हीट में होगी। तो यहाँ पर मैंने हाई हीट करके तेल को अच्छा गर्म कर लिया था और गार्लिक ऐड कर दी है। जैसे ही हमारी गार्लिक तो हल्की फ्राई हो जाएगी, हमें इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है, इसका कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ पे मीडियम साइज़ की जो मैंने अनियन ली थी एक छोटी, वो ऐड कर दिया हूँ मैंने। तो हमारी प्याज भी यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं पकाना है ज़्यादा, हल्का फ्राई करना है हमें, बस उसका कलर हल्का सा चेंज हो। यहाँ पे हम अदरक ऐड कर देंगे। अदरक को हमेशा साथ में ऐड किया जाता है गार्लिक और प्याज के, किसी भी चीज़ के सपोर्ट में ऐड किया जाता है, वरना गार्लिक अदरक हमारा जल जाता है। तो यहाँ पे मैंने गाजर, शिमला, हरी प्याज, आधी हरी प्याज ऐड कर दिया, आधी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ हरी प्याज भी ऐड हो चुकी है, सारी हमारी सब्जियाँ ऐड हो चुकी हैं। अब हाई हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। तो यहाँ हमारी 4 से 5 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें हमारा राइस ऐड कर देंगे। तो राइस मैंने यहाँ डाल दिया है और ये रहा हमारा मशरूम, ऑयस्टर मशरूम। बहुत ही यमी, बहुत ही पौष्टिक रहता है ये, बहुत ही अच्छे विटामिन रहते हैं इसमें, प्रोटीन रहता है, तो इसे ज़रूर खाएं। अब हम यहाँ इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। अगर आप फुल बिरयानी वाला राइस ले रहे हैं तो आप यहाँ पे उसे हल्के हाथों से मिलाएं। और ये 1 चम्मच मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया है और 1 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे हम यहाँ पे। तो ये सोया सॉस और विनेगर ऐड हो चुका है। अब हम इसे मिलाएंगे हमारे राइस में, इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिलाना है हमें। यहाँ मेरे राइस छोटे थे तो मैंने मिला लिया। और ये हमने ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करी है 1 चम्मच के लगभग, और ये थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोया सॉस में नमक होता है, तो नमक अपने स्वाद के हिसाब से ही थोड़ा कम ही मिलाइएगा, वरना ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं फ्राइड राइस, बहुत ही यमी लग रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबा दें। मैं ऐसे ही आगे मशरूम की रेसिपी आपको लाता रहूँगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगती है,
और ये मैंने इसके गार्निश कर दिया है हरी प्याज जो हमने बचा के रखी थी उससे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी में, बाय फ्रेंड्स।